गुड मॉर्निंग क्लास 11, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे. देखो, मैंने आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कि हमारे पास जितने भी है ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास ये राइट है कि हम अपना जो रिलीजन है, जो अपना धर्म है, वो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं. कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हमें अपने देश में एक ही रिलीजन फॉलो करना है, क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, सेम रिस्पेक्ट, सेम डिग्निटी फॉर ऑल द रिलीजन. सब जितने भी धर्म है उन सब के जो रिस्पेक्ट है वो हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए सब सेम है. तो गवर्नमेंट को भी कभी भी कोई इंडिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती बिटवीन द रिलीजन्स और बिटवीन एनीथिंग. ठीक है, तो हमने ये नेक्स्ट राइट करना था अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. देखो, जो हमारा देश है उसमें 14 साल तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की हुई है गवर्नमेंट ने, इसलिए क्योंकि उनसे चाइल्ड लेबर ना कराई जाए, इसलिए चाइल्ड लेबर को बैन करके एजुकेशन कंपलसरी की गई है. कि गवर्नमेंट ने इसने स्कूल्स खोले हुए हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. क्लियर? तो यहाँ से हम रीड करते हैं. When we talk of the Indian society, the image of the diversity comes from our minds. India is not made up of monomaniac society. We are society that has vast diversity. देखो, इंडिया एक सच ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायस डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट तरीके लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स है. डाइवर्सिटी का वर्ड का मतलब होता है कि हर चीज़ डिफरेंट होना, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, मतलब हर चीज़ में डाइवर्सिटी होना. चाहे तुम कल्चर ले लो, चाहे तुम लैंग्वेज ले लो, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, यू हैव डिफरेंट पीपल्स. तो सारे लोग सेम नहीं हैं, सबके लैंग्वेज अलग है, सब दिखते अलग हैं. सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी इन सच अ सोसाइटी दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. देयर वुड बी सोशल सेक्शंस विच आर स्मॉल इन नंबर्स कंपेयर टू सम अदर ग्रुप्स. ठीक है, इफ अ ग्रुप इज माइनॉरिटी इट विल हेल्प टू अडॉप्ट ऑफ कल्चर ऑफ द मेजोरिटी. अगर कोई ग्रुप माइनॉरिटी है तो क्या उसमें हेल्प करेगा कि हम कल्चर जो है उसी का अडॉप्ट करें? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमारे इंडिया में अगर मेजोरिटी हिंदूज की है, क्यों हमारे इंडिया में अगर मान लो हिंदूज की मेजोरिटी है, तो क्या जिनके दूसरे जो जिनकी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि जो मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, ये हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं? क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब होता है कम और मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा. ठीक है, सबसे पहले तो ये फ़र्क तुम समझो. माइनर मतलब स्मॉल और मेजर मतलब लार्ज. तो मेजॉरिटी हमारी हिंदूज की है क्योंकि हिंदूज यहाँ ज़्यादा है, और माइनॉरिटीज मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, इनकी है. क्यों? क्योंकि इन लोगों के जो पॉपुलेशन की वो है कम है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है, तो ये कम लोग हैं यहाँ पे हमारे यहाँ. ठीक है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने ये फोर्स किया हुआ है कि जो यहाँ पे मेजर लोग जितने हैं, जो जैसे हिंदूज हैं, जो कल्चर हिंदूज का है वही कल्चर बाकी सब भी फॉलो करेंगे, वही कल्चर मुस्लिम्स फॉलो करेंगे, वही कल्चर सिख फॉलो करेंगे? क्या ये ज़रूरी है कि जो कल्चर, जो रिलीजन मेजॉरिटी में है वही कल्चर माइनॉरिटी भी करेंगे? ठीक है, वार कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज़ आर स्ट्रेंथ. हमारा जो संविधान है वो ये मानता है कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है. तुमने कभी सुना है वर्ड, एक लाइन होती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि एकता अनेकता में. डाइवर्सिटी का एक ये मतलब है अनेकता, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग. लेकिन यूनिटी का मतलब होता है एकता. तो एकता में अनेकता हम क्यों बोलते हैं हमारे इंडिया में? एकता अनेकता, अनेकता में एकता है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो डिफरेंट लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे तुम देखो कि लैंग्वेजेस अबाउट कम से कम भी यहाँ पे 400 समथिंग कुछ लैंग्वेजेस हैं, 28 स्टेट्स हैं, उसमें भी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गांव हैं, पर स्टिल वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, सो मैनी डिफरेंट पीपल. फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, अपने कल्चर को एडजस्ट करते हैं, अपने रिलीजन्स को एडजस्ट करते हैं, और एक यूनिटी में रहते हैं. ठीक है, ये तो नहीं है ना कि हम सारा दिन लड़ाई करते रहते हैं कि अब मान लो अब हरियाणा के लोग हैं, कोई बंगाल के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनके बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है कल्चर, हम उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज अलग है.
तो ये तो नहीं है ना कि हम उनसे लड़ाइयाँ करेंगे, उल्टा ये तो हमारी स्ट्रेंथ हो गई कि हम सब लोग इतने डिफरेंट कल्चर होके, हमारे डिफरेंट हिस्ट्री होके हम सब एक साथ हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ। Therefore, one of the fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture. तो एक ये right है कि हम अपने right को, जो हमारा जो fundamental right है, is the right of the minorities to maintain the culture, कि हम अपने culture को maintain करके रखें। This minority status is not depend only, जो ये minority status है ये सिर्फ इसी चीज़ पर depend नहीं करता, अपॉन रिलीजन। हमारा जो सिर्फ माइनॉरिटी है ये रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब मेजॉरिटी है तो हम वही यूज़ करेंगे रिलीजन, और नहीं है तो हम कुछ और करेंगे, क्लियर। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ होती हैं वो भी इस प्रोविजन में इंक्लूड होती हैं। माइनॉरिटीज़ आर ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन एनी एज ए होल। देखो माइनॉरिटीज़ ऐसी है, कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनकी कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन है कि पर्टिकुलर कंट्री के पार्ट में, दैट आज आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। मतलब कि ये एक तरह की माइनॉरिटी की डेफिनेशन बता रखी है। मैंने अभी बताया कि माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा। कि मेजॉरिटी मतलब कि हम मान लो हिंदू मेजॉरिटी है, पर हमसे कुछ डिफरेंट लोग जो हमसे डिफरेंट हैं, जिनका रिलीजन अलग है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री अलग है हमसे, वो हमारे लिए माइनॉरिटीज हो गए। जैसे आदिवासी, बहुत कम पॉपुलेशन होगी, मुश्किल से 2-3% इंडिया में आदिवासी की, या 5-6% ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर तुम कंपेयर करो हिंदू के, तो हिंदू कितने एज कंपेयर टू आदिवासी ज़्यादा है। तो क्या ये डिपेंड कर रहा है कि उनका रिलीजन क्या है, हमारा रिलीजन क्या है? क्या गवर्नमेंट ये फोर्स कर सकती है आदिवासी को, अगर यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू की है तो तुम हिंदू का ही रिलीजन फॉलो करोगे? नहीं ना। सो दिस इज़ नॉट, ये कोई पॉइंट नहीं है, क्लियर। तो ये उनके पास राइट है कि अगर वो माइनॉरिटी भी हैं, अगर उनके जो रिलीजन, अगर वो कुछ कम लोग भी हैं, अगर वो 6% भी हैं इंडिया के, तो उनके पास ये राइट है कि वो 6% लोग हैं अपना ही रिलीजन फॉलो करें। हम उनसे कोई राइट नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट उनका कोई राइट नहीं छीन रही है कि आपको ये रिलीजन फॉलो नहीं करना या आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। उनका राइट उनके पास है, ये एक हर किसी को अधिकार दिया गया है, कोई भी दूसरा बंदा उसको नहीं रोक सकता उसका धर्म फॉलो करने से, ठीक है। कोई भी दूसरा बंदा उसको उसके धर्म फॉलो करने से कभी नहीं रोक सकता। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। सब जितने भी माइनॉरिटीज हैं उन सबको अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपना जो धर्म है उसको फॉलो करने का, रिलीजन को फॉलो करने का उतना ही राइट है जितना राइट हमें है जो हम अपने रिलीजन के लिए कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं ना ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म में ये लिखा है, तो उनके पास भी उनका धर्म है और वो वही करेंगे। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो हमारे ही लोग हैं। और ये तो हमारी एक वो है कि हम अनेकता में एकता ढूंढते हैं, कि इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं, क्लियर। तो एक साथ ऐसे तो नहीं है ना कि हम उनको ज़बरदस्ती ये कहेंगे कि तुम हमारा राइट फॉलो करो तो वो हमारे साथ एक साथ रह पाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, क्लियर। Now, right to constitutional remedies. अब right to constitutional remedies क्या होती है ये पढ़ते हैं हम। देखो अब कुछ ऐसे rights भी हैं जो हमारे constitution ने constitution को ही इशू करके दिए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसने लोगों को तो बहुत सारे राइट्स दिए ही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को, पुलिस को, लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिसके थ्रू वो लोगों की हेल्प कर सकता है। क्यों दिए वो राइट्स? क्योंकि हम कुछ ख़राब लोगों से, ताकि दूसरे लोगों को बचा सकें, कुछ डेंजर होने से पहले वो लोग वो राइट्स यूज़ करके उस डेंजर को ख़त्म कर सकें, क्लियर।
वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए वेरी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब हमें पता चला कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तुम्हें आज पता हो चला होगा कि ओ हमारे पास ये राइट्स भी हैं, ये राइट्स भी हैं. बट मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट्स इज नॉट इनफ, दैट हैज़ टू बी वेज थ्रू विच कुड बी रियलाइज इन प्रैक्टिस एंड डिफेंडेड अगेंस्ट माई अटैक ऑन दीज राइट्स. पर कई बार ये राइट्स तभी हमें पता चलते हैं, जैसे अभी थ्योरी तुम्हें ये राइट्स मैंने अब बताए होंगे तो तुम्हें अब पता चले होंगे, तुम्हें इससे पहले इनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी. पर ये तुम्हें तभी पता चलते हैं जब तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है और फिर तुम्हारे आगे निकल के बाहर आते हैं, फिर तुम्हें पता चलता है हमारे पास ये राइट भी है. ठीक है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मीन्स थ्रू विच कैन टू बी अचीव. डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो जो राइट टू ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उन्होंने मेंशन किया था कि दीज आर द राइट फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ सो बिकॉज द राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन. ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कोर्ट को दिए गए हैं, जो कोर्ट लोगों की हेल्प कर सकता है, कुछ डेंजर होने से रोक सकता है. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर देयर एनफोर्समेंट राइट्स. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट ये कुछ राइट्स को इशू कर सकता है और गवर्नमेंट को कह सकता है कि वो इसको फॉलो करें. दीज कोर्ट्स आर वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज हबीस कॉर्पस, मैंडेमिनस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो एंड सर्टियारियू. सो हबीस कॉर्पस पहले हम पढ़ते हैं. देखो हबीस कॉर्पस के बारे में पढ़ेंगे पहले. A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to see free an arrested person if and manner or ground of arrest are lawful. देखो वो कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो अरेस्ट होते हैं, जो पीपल अरेस्ट होते हैं तो उनके पास ये होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीली. ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को गलत समझ लिया, पुलिस ने मान लिया ये क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल को भी एक चांस दिया जाता है एक फ्री ट्रायल का, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि वो अपने आप को बता सके. क्लियर. मैंडेमस. दिस रेट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड आउट दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयरफॉर इज इंफ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये राइट तब इशू किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस जो होल्ड कर रहा है, जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऑफिस जो होल्ड कर रहा है, वो अपनी कोई भी लीगल ड्यूटी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या मतलब कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी है. ठीक है. तो क्या करती है जो सुप्रीम कोर्ट होता है या कोई भी कोर्ट होता है उस ऑफिस के अगेंस्ट, उस ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट, ऑफिस होल्डर मतलब जो उस ऑफिस का मेन वो है, पर्सन है. ठीक है, जो मेन मेंबर है उसके अगेंस्ट ये राइट इशू कर सकते हैं बाय इंफ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. प्रोहिबिशन. दिस राइट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन. ये राइट तभी होता है इशू जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा केस जो उनके लीगल लीगैलिटीज़ में फॉलो नहीं हो पा रहा, मतलब उसके अंदर फॉलो नहीं हो पा रहा, इसलिए वो केस को वहाँ से बाहर निकाल के अपने तक लाने के लिए वो इशू करते हैं. कोवरेंटो. इफ़ द कोर्ट फाइंड आउट दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज़ नॉट एंटिटी टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज द राइट ऑफ कोवरेंटो एंड रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एन. देखो कोवरेंटो किसी पर्सन के अगेंस्ट करते हैं इशू. क्या होता है ये होता है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट हम तब इशू कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो ऑफिस होल्डर है वो इस ऑफिस के लायक नहीं है, मतलब उसने कुछ गलत काम किया है या वो किसी के गलत क्राइम में फंस गया या उसके ऊपर कुछ नाम आया, तो ऐसा कुछ भी हो जाता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट हम वो कर देते हैं, जो कोर्ट है वो कोवरेंटो राइट कर देती है, इशू कर देती है, ताकि वो अब और इससे ज़्यादा ऑफिस को नहीं होल्ड कर सकता. सर्टियोरी. Under this right, under this writ,
The court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher court. Vux statuari का ये मतलब है जो court है कि वो order देती है lower court को और कोई भी another authority को कि जो भी उनका matter है वो इस यहाँ पे हमारे पास अपनी higher authority के पास transfer करें, ठीक है? तो ये जो कुछ laws हैं ये सब supreme court और हाई कोर्ट्स को मिलते हैं, मेनली लॉज को मिलते हैं, ताकि जो कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं, ऐसे ये कुछ लीगल राइट्स होते हैं. अब जैसे हमने तो बेसिक राइट्स पढ़े ही हैं, फंडामेंटल राइट्स, पर ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं जो हमें गवर्नमेंट के, जो लॉ को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वो पढ़े आज, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म्स हैव बीन क्रिएटेड इन लेटर ईयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. यू मे हैव हर्ड दैट द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वेमेन. तो ये बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लॉ को दिए हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सकें. दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन. अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ के करते हैं. दलित्स बिसाइड द ह्यूमन नेशनल कमीशन हैज़, बहुत सारी ऐसे ही होते हैं जो ये सब के राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? हमने अपना ये वाला टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है एंड विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो विद द डायरेक्टिव पॉलिसीज और स्टेट पॉलिसीज. क्लियर?